तो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ गर्व और आप देख रहे हैं मेरा चैनल गर्व्स लाइफ। तो भाई आज अपन फिर से जा रहे हैं अपनी कंटिन्यू करने राइड भीलवाड़ा की। तो अभी सेकंड पार्ट है ये, तो सेकंड पार्ट में अपन क्या क्या कवर करेंगे वो आगे आपको देखने के लिए मिल जाएगा वीडियो में। तो अभी फ़िलहाल 10 बज गए हैं, लेट हो गया आज, तो फटाफट से निकलते हैं। सबसे पहले नसराबाद जाते हैं, वहाँ से जोशी को उठाते हैं एवरी टाइम सेम थिंग। तो उसके बाद फिर निकल जाएंगे सीधा अपन उड़न छतरी। सबसे पहले अपना पॉइंट है उड़न छतरी जाने का, उसके बाद सिटी के अंदर थोड़ा सा घूमेंगे, फिर एक और जगह है वो तो सारी धीरे धीरे आपको आगे वीडियोस में देखने के लिए मिल जाएगी। बट जो अभी अपना सबसे पहले जो अपना पॉइंट है वो है उड़न छतरी। काफ़ी अच्छी जगह है, टूरिस्ट अट्रैक्शन है, अच्छी देखने वाली जगह है, तो सीधा वहीं चलते हैं। तो फटाफट देरी ना करते हुए घर से निकलते हैं, बाकी जो भी होगा सीन रास्ते में आपको मैं दिखाता जाऊँगा। तो भाई अभी जस्ट अपन रुके थे रेस्ट लेने, तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं छोटा सा ढाबा है, तो वहीं पर रुके थे तो थोड़ा सा चाय वगैरह पीने के लिए और पानी वगैरह पीने के लिए। तो हार्डली यहाँ से जहाँ पे उड़न छतरी है तो यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर और है, तो पहुँच जाएंगे अपन जल्दी से जल्दी 40 मिनट के अंदर अंदर। तो भाई फ़िलहाल गर्मी बहुत तेज़ है आज, तो जैसे कि लास्ट वीडियोस में हमने देखा होगा, लास्ट अपन आए थे वो तब बहुत अच्छा वेदर था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और बादल थे, बट आज तो धूप ने मतलब बुरा हाल कर रहा हुआ है, बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई आज तो अब बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है। तो अभी फटाफट से पानी पीते हैं और फिर थोड़ी सी चाय पीते हैं, फिर यहाँ से रवाना होते हैं और पहुँचते हैं अपने डेस्टिनेशन उड़न छतरी पे। तो चलिए पानी पीते हैं। और हाँ भाई जोशी, आज गर्मी बहुत तेज़ है यार, है ना? और जोशी भी आया साथ में हमेशा की तरह। तो भाई अपनी चाय आ गई है और देखिए क्या चाय, और बहुत ही कड़क है और गाढ़ी है, मतलब बहुत ही बढ़िया चाय है यार। मतलब ऐसी चाय बहुत टाइम बाद पी है अपन ने रास्ते में, खासकर घर में तो अपन बना ही लेते हैं बट कहीं रास्ते पे बहुत बढ़िया चाय है भाई, तो बहुत बढ़िया टेस्ट है भाई चाय का। और पूरी गाढ़ी है चाय, पतली सी नहीं है, मतलब दूध बहुत अच्छे से कड़ा हुआ है, चाय बहुत ही अच्छी है भाई। तो बिल्कुल पी के आँखें खुल गई, इसको एक सिप लेते ही आँखें खुल गई। Put it on me, smell my lip on so shawty. It's okay at the lake, it's a party. It's a motherfucking party. तो भाई फाइनली अपन पहुंच चुके हैं उड़न छतरी। तो उड़न छतरी तो है ये, बट तो इसके अंदर जो उड़न छतरियाँ बनी हुई ना, तो इसके अंदर बने हुए छोटे छोटे से मंदिर। तो कौन से मंदिर बने हुए वो अभी अपन ऊपर चल के देखते हैं, मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये सारी पहाड़ी है छोटी सी। तो अभी चलेंगे ऊपर, तो छोटे छोटे से मंदिर बने हुए हैं और वहाँ पर आपको दिखाएँगे, पूरा नज़ारा दिलाएँगे उड़न छतरी का। तो और ड्रोन भी उड़ाएँगे क्योंकि बहुत बढ़िया लोकेशन है भाई, आस पास की जगह बहुत ही एक नंबर जगह है। तो चलिए फिलहाल यहाँ का पूरा घूमते हैं अपन और नज़ारे लेते हैं उड़न छतरी के। तो भाई अभी अपन जो उड़न छतरी है उसके ऊपर खड़े हैं, तो आसपास का एरिया आपने ड्रोन में देख ही लिया होगा कितना शानदार है, और छतरियाँ जो बनी हुई है यहाँ पे वो भी एक नंबर है यहाँ पे, वो जो आपने देख ही लिया ड्रोन में। तो अब यहाँ पे गांव के बच्चे भी हैं, उनसे भी बात करेंगे कि यहाँ का इतिहास क्या है और यहाँ का आसपास का एरिया, वो सारा मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगा। आसपास का जो भी है, यहाँ पे मंदिर काफ़ी है आसपास, तो वो भी आपको बताएंगे कि क्या क्या है। वो यहाँ के बच्चे हैं, उनको ज़्यादा पता है, तो उनसे पूछेंगे अपन। तो फिलहाल अभी कैमरा घुमाते हैं और आपको पूरा नज़ारा दिखाते हैं, और जहाँ पर छतरी पर मैं खड़ा हूँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं, वो भी मैं आपको पूरा घुमा के दिखाता हूँ। मेरे ये दो छतरियाँ हैं और ये पूरा आसपास का एरिया और ये पूरा गांव है। तो ये सामने झील से बनी हुई है छोटी सी, और इस साइड पे भी मंदिर है पहाड़ी के ऊपर, और वो सामने देख सकते हैं वो हनुमान जी का मंदिर है, और इस साइड आपको दिखाते हैं पूरी। और ये सामने मेरे देख सकते हैं, ये भी पत्थर के ऊपर पूरी छतरी बनाई हुई है, और ये पूरा पहाड़ है छोटा सा, और ये आप देख सकते हैं पूरा। ये भी छतरी मैं आपको दूर से दिखाऊंगा इसका, तो बट आसपास का एरिया देखिए आप, एक नंबर। और नीचे खेत वगैरह है सारे, और यहाँ पे बच्चे हैं, इनसे बात करते हैं भाई कि यहाँ का क्या इतिहास है। और सामने छोटा सा स्टेडियम बना हुआ है एक,
और भाई ये देखिए सामने मेरे कितना बड़ा झंडा लगा हुआ है, केसरी झंडा, क्या खूबसूरत लग रहा है भाई। तो चलिए भाई इन बच्चों से बात करते हैं और यहाँ का पूरा इतिहास जानते हैं कि क्या है। ये हमारे उड़न छतरी है पुर्गी, और ये बहुत पुरानी है और ये उड़ गया हुई है बहुत, मतलब बहुत ज्यादा साल हो गए इसको। और हमारे पुर्गी हनुमान शान है ये उड़न छतरी, साल पहले 5000 साल पहले उड़ के आई हुई है। और ये जिंदा समाधि है, जिंदा, हाँ नहीं जो मतलब उड़ के आई ना उस टाइम, ये टाइम ये जिंदा समाधि थी ये। अच्छा पहले, और यहाँ के जो महात्मा थे संत गुरु उन्होंने इसको उतारी नीचे। अच्छा काफी साल पुरानी है वो, देव जी का मंदिर है और इधर नीचे महादेव जी का स्थान है ये प्रकृति का। अच्छा, यहाँ के जो गुरु थे वो इनकी सेवा करते थे यहाँ पे, इसी चट्टान के नीचे नीचे है। और एक तो समाधि उनकी है और एक उनके चेले लोग की, उनकी दो समाधि है, दो समाधि है उनकी, है ना। भाई अभी अपन गुफा देखने जा रहे हैं ये भाई के साथ इधर, तो ये कह रहे कि चलो आपको गुफा भी दिखाते हैं इधर, तो चलो वो भी देखते हैं कैसी गुफा है और क्या है उसके अंदर। और ये महादेव जी का मंदिर है पहाड़ी के नीचे, तो आप दर्शन करिए महादेव जी के। ये देखिए भाई, तो भाई अभी नीचे जा रहे हैं पत्थरों से होते हुए गुफा के अंदर, और पूरा ध्यान से जाना पड़ेगा क्योंकि पत्थर ही पत्थर हैं। ये देखिए भाई, और सामने देखिए छतरियाँ, और ये पूरा गांव है। और अपन जा रहे हैं नीचे जंगल के अंदर छतरियों में, ये देखिए भाई ये भी आ चुकी है छतरियाँ जो मैंने आपको दूर से दिखाई थी, तो अब बिल्कुल पास आ गए हैं इनके भी। ये देखिए, तो भाई ये देखिए नीचे जहाँ पे वो आ रहे हैं, यहाँ से पूरी गुफा जाती है इस पत्थर के ऊपर जहाँ पे अपन खड़े हैं, इसके अंदर पूरा खाली है तो यहाँ पे जाता है पूरा। ये देखिए कैसे जंगल के अंदर जा रहे हैं। अच्छा अंदर है इसके, और देखिए पूरे अपन पहाड़ी के ऊपर खड़े हैं और वो सब अंदर जा रहे हैं गुफा के अंदर। ये देखिए, तो चलिए भाई अब चलते हैं अपनी बाइक के पास। तो मैंने आपको जो पीछे दिखाया था नीचे गुफा भी है जिस पहाड़ी के ऊपर अपन खड़े थे, तो अब सीधा चलते हैं अपनी बाइक के पास। तो भाई होप आपको यहाँ का जो भी एरिया मैंने आपको दिखाया है और छतरियाँ दिखाई है बहुत ही बढ़िया लगी होंगी। बहुत तेज धूप है भाई, बुरा हाल हो गया, और मेरी चाबी घूम गई थी यार, थैंक गॉड मिल गई, जहाँ पे अपन नीचे जा रहे थे वहीं पर गिर गई थी, पिछले पॉकेट में डाली हुई थी। तो अब यहाँ से निकलने का टाइम हो गया और मुंह सूख रहा है भाई, बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, फटाफट से नीचे चलते हैं पानी की बोतल लेते हैं, फिर आगे जो भी है प्लान करते हैं।